तो देखिए, राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पूरी तरह से फ्रंट फुट पर आ गई है। 134 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी जिसकी वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई थी। अब मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल को लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती है तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। अब इस फैसले के बाद कांग्रेस में जश्न है तो विपक्ष में सरगर्मी है। अब एक ही बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अब राहुल गांधी 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा होंगे। हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, हम सड़क पे चल रहे हैं मैं पूछूं किसने बनाई अदानी जी। क्या संसद में राहुल गांधी पीएम मोदी को फिर ऐसे ही ललकारेंगे? जो सरकार चोरी की सरकार होगी तो उस सरकार चोरी ही करेगी। क्या संसद में राहुल गांधी ऐसे ही तेवरों में दिखाई देंगे? क्या पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा बन जाएंगे? जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता हूं। ऐसी तमाम संभावनाएं, तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। इस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं और दो शब्द की मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, सत्य में जयते, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। कोई तोड़ नहीं सांधी का, ये दौर है राहुल गांधी का, अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। सच और झूठ का लड़ाई है, सच को जीत हुआ है, भले सच को इन लोग ने परेशान कर सकता है पराजित नहीं कर सकता है। 4 महीने और 14 दिन राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित होने से योग्य साबित होने में इतना ही वक्त लगा। देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम की मानहानि के मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाई बल्कि राहुल की दोष सिद्धि पर भी रोक लगा दी है। इसका मतलब ये हुआ राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। राहुल गांधी मौजूदा मॉनसून सत्र में संसद में लौट सकते हैं। राहुल के चुनाव लड़ने पर लगी पाबंदी खत्म हो जाएगी। बतौर सांसद राहुल को दिल्ली में बंगला वापस मिल जाएगा। राहुल गांधी 2024 के चुनाव में मोदी के खिलाफ विपक्ष का प्रमुख चेहरा हो सकते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट से रोक हटते ही मानो कांग्रेस में एक नई जान आ गई। उत्साह में जश्न मनाया जाने लगा, ढोल बजे, पटाखे फोड़े गए, लड्डू बटने लगे। ट्विटर पर तो कांग्रेस नेताओं से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं के ट्वीट की बाढ़ सी आ गई। उत्तर में जश्न का माहौल है, यहाँ राहुल गांधी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद। उनकी लोकसभा सदस्यता अब बहाल होगी जो रद्द कर दी गई थी। मानहानि मामले में 2 सालों की सजा राहुल गांधी को मिली और उसमें राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और अब राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल होगी। और इस फैसले के बाद राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह 7वें आसमान पर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की सजा पर रोक का आधार कैसे तय हुआ, जरा ये समझिए राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में क्या कहा। खुद शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी का मूल सरनेम ही मोदी नहीं, उनका मूल सरनेम खुताला है। फिर ये मामला बन ही कैसे सकता है? राहुल ने जिन लोगों का नाम लिया उन्होंने केस नहीं किया। ये लोग कहते हैं कि मोदी सरनेम वाले 13 करोड़ लोग हैं, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो समस्या सिर्फ बीजेपी से जुड़े लोगों को हो रही है। मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना ये
आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर, संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुना और राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते हुए टिप्पणी की। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि की अधिकतम सजा 2 साल दी है, इसका कोई विशेष कारण नहीं बताया। ट्रायल कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी के अलावा उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का अधिकार भी प्रभावित हो रहा है। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहुल गांधी के लिए चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। गुजरात की निचली अदालत ने मोदी सरनेम की मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए थे। जिस बयान को लेकर राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी, वो राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक चुनावी सभा में दिया था। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उसके बाद पूर्णेश मोदी नाम के एक याचिकाकर्ता ने गुजरात की निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। इस मामले में 23 मार्च 2023 को सूरत की सीजेएम कोर्ट में राहुल दोषी करार दिए गए, उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। 24 मार्च 2023 राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 20 अप्रैल 2023 सूरत की सेशंस कोर्ट ने भी राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी। 7 जुलाई 2023 गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 4 अगस्त 2023 वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर रोक लगाई। राहुल की दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट की ये रोक तब तक लगी रहेगी जब तक सूरत की सेशंस कोर्ट में राहुल का मामला चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राहुल की राजनीति में भी एक नई जान फूंक दी है। माना जा रहा है कि इस फैसले से राहुल और कद्दावर बनकर उभरेंगे और 26 विपक्षी दलों में मोदी के खिलाफ चेहरे को लेकर जो असमंजस चल रहा है, उसमें अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।